से मुझे फिर से अफसोस हुआ कि चाइना पाँच हज़ार बड़े डैम्स बना चुका है और हमने नाइनटीन सिक्सटीज़ के बाद सिर्फ नाइनटीन सिक्सटीज़ में जो दो डैम बनाए थे हमारे पास वही डैम रह गए और ये जो इन्होंने अभी प्रेजेंटेशन दी इसमें ये भी अफसोस हुआ कि इस इस कोताई से इस कोताई की वजह से हमारे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ और नुकसान आज कल जो बिजली की कीमत है और जब दुनिया में इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर आप बिजली बनाते हैं तो जब दुनिया में कीमत बढ़ती है पाकिस्तान में भी बिजली कीमत बढ़ जाती है बोझ पड़ जाता है आवाम के ऊपर और ये अगर हम पानी के ऊपर बिजली बना लेते जो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशल है पाकिस्तान में आज हमें ये महंगाई का सामना ना करना पड़ता है क्योंकि जब बिजली महंगी होती है सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं जिस तरह जब आ, तेल महंगा होता है तो उससे भी ट्रांसपोर्ट सारी चीज़ें महंगी होती हैं लेकिन बिजली पाकिस्तान में तेल महंगा होने से बिजली भी महंगी हो जाती है क्योंकि आधी बिजली तेल से बनती है तो ये <coughs> बदकस्मती से लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होने की वजह से आज आ, हम आ, इन मसले मसाइल में पड़े हुए हैं जो मुल्क जो सबसे तेज़ी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है उसकी सबसे बड़ी ताकत उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आगे का सोचते हैं इलेक्शन का नहीं हर हम जिस तरह हम पाँच साल में इलेक्शन होना है तो उसमें जो भी करना है उसी में जब तक पाँच साल में वो नहीं नजर आता तो बनाओ ना चाइना की ताकत यह है कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और हम आ, अपनी हुकूमत का मैं कहना चाहता हूँ कि हम मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ पे कि हमने बजाय सोचने के इलेक्शन का हमने आगे की प्लानिंग की है और इसीलिए ये जो आज डेकेड ऑफ डैम्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज ये इसी वजह से है कि हमने सोचा कि हम हमें, हमें वाटर स्टोरेज चाहिए हमारा आगे अभी भी सूबों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो कहते हैं कि जी हमारा पानी कम हो गया और आपस में पानी का इश्यूज़ बना हुआ है आ, तो आगे जाके तो जो हम जिस तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है हमें तो और ज्यादा ज़मीन को काश्त करना पड़ेगा और अगर जब स्टोरेज ही ना हो तो हम उस जमीन को काश्त कैसे करेंगे हमारे पास जमीन पड़ी है डी आई खान में जरखेज़ ज़मीन पड़ी है सिर्फ पानी की जरूरत है और वहां पख्तूनख्वा को कभी जरूरत ही ना पड़े किसी और सूबे से आ, गंदम या अनाज को इम्पोर्ट करने की अगर वो डी आई खान के अंदर हम उस ज़मीन को पानी दे दें उसी तरह बलोचिस्तान में लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है जिस जो अगर पानी मिल जाए तो वो सारा इस मुल्क में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं गंदम और कॉटन और फिर आ, थर के अंदर ज़मीन पड़ी है तो हमारे पास ज़मीन पड़ी है पानी की कमी है और बदकस्मती से पानी की कमी इसलिए है कि हमने स्टोर ही नहीं किया पानी को तो ये जो दस साल की डैम्स हैं इसे स्टोरेज दुगनी हो जाएगी फिर जो दुनिया को सबसे बड़ा मसला फेस हो रहा है क्लाइमेट चेंज का वो भी एड्रेस हो जाता है इसे जब जब आप साफ बिजली बनाते हैं पानी से तो क्लाइमेट चेंज का भी इशू खत्म हो जाता है कम हो जाता है यानी अपने मुल्क में हम उसको कॉम्बैट कर सकते हैं और फिर तीसरी चीज के जो मुझे आज बड़ी ये माइकल रॉजर्स की प्रेजेंटेशन से कि हम अपने एक पूरा एक, एक कार्डज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इंजीनियर्स के इनकी ट्रेनिंग हो रही है सब एक बहुत बड़ी हमारी आ, यूथ तैयार हो रही है जो कि जिसकी एक्सपर्टीज़ होगी डैम बिल्डिंग में और इसके साथ साथ मैं एक भी चीज़ कहूँ कि जो टनल टेक्नोलॉजी है ये जो डैम्स में मैंने जब जाके देखा है जन मुजमल ने दिखाया है तो जो टनल टेक्नोलॉजी है ये भी बहुत पाकिस्तान में ज़रूरी है और मैं आपको बताऊँ ये एक और चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है टूरिज़म पाकिस्तान अल्लाह के ने वो नमत दी हुई है पाकिस्तान को जिस तरह की हमारी पहाड़ों की सीनरी है उसका दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जो उसका मुकाबला कर सकता है और ये टूरिज़म का बहुत बड़ा रेवेन्यू आ सकता है यहाँ लेकिन स्विट्ज़रलैंड आप जाके देखें तो वो आधा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का लेकिन उसका 60 से 70 अरब डॉलर्स उसका रेवेन्यू है टूरिज्म से लेकिन स्विट्ज़रलैंड के अंदर सबसे बेहतर उनके पास टनल टेक्नोलॉजी है क्योंकि वो पहाड़ों पे वो टनल्स बना के तो बड़ा एक्सेसिबल कर दिया उन्होंने अपना सारा इलाका तो इसका जो अगला हमें फ़ायदा होगा आ, डैम्स की ये जो अब जिस तेज़ी से अब टनल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान सीख रहा है तो उससे इन ये आगे भी इसके बहुत बड़े हमारे फ़ायदे होंगे मोन साहब आपने बात की कालाबाग डैम की इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की ज़रूरत है और इस पर कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम है तो मेरे हल्के में मियाँ वाली में लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है हमारे जो हमारे सिंध के हमारे भाई हैं उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ कोवतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगे कि जी उनका पानी चोरी होगा तो ये एक हमने पूरी कैंपेन करनी है उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा लेकिन उससे पहले अगर हम ये शुरू करेंगे तो जो लोग इंतजार पढ़ाना चाहते हैं वो इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ये पॉइंट है इस चीज़ के ऊपर क्योंकि हम एक फेडरेशन है और हमारे कोशिश होनी चाहिए कि फेडरेशन में सारे सारी कौम को सारे सूबों को साथ लेके चले मैं आखिर में आ, मुरस आपने बड़ी अच्छी बात की आपने कहा कि तरीके इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से देखिए तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है पच्चीस साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन हो चुके हैं लेकिन जो घबराए हुए हैं ना उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया चौधरी साहब मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशन शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है और लेकिन उनके उनको याद आ जाना है एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं जो घबराए हुए हैं वो आजकल बीस बीस साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की अपने जो एम पीज़ की फौज उधर भी जा रहे हैं आजकल उनको याद आ गए हैं तो इसलिए वो घबराए हुए हैं हमारा इस वक्त आपके ऊपर आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इतमाद है जनाब जनरल मजम्मर मैं आपकी एक चीज़ की ख़ास तौर पे तारीफ़ करता हूँ आपके अंदर जो पैशन है जिस जुनून से आप ये प्रोजेक्ट्स के पीछे लगे हुए हैं मैंने कभी भी किसी को इस तरह एक मुल्क का सोच के एक जहाज समझ के काम करते नहीं देखा तो मैं आज खास तौर पे आपको खराज आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं वजीरम इमरान खान इस वक्त सम्पोजियम से खिताब कर रहे थे उनका कहना था कि तरीके इंसाफ के वर्कर्स की अच्छी तरबियत की है हम घबराते रहें हैं वजीरम इमरान खान ने कहा कि आइंदा दस साल में डैम के मनसूबे मुकम्मल होने से पानी की स्टोरेज की सलाहियत दुगना हो जाएगी पाकिस्तान में सियाहत में सरमाकारी के बेपना मौाक़े हैं